चुनाव के वक्त नेता वोट जुटाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं ये तो सबको पता है। वो वोट जुटाने के लिए हर कोशिश करते हैं और इसमें वो कई अजीबोगरीब तरीके भी अपनाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान के नेताजी ने कुछ ऐसा किया कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस तस्वीर में नेताजी नाली के पानी में गुलाटी मार रहे हैं, कभी सो जाते हैं, कभी उचक कर बैठ जाते हैं। कुर्ते की सफेदी नाली के गंदे पानी से सन गई। ऐसा लग रहा है नेताजी को भी इस लोटपोट में बड़ा मजा आ रहा है। ये पानी कोई साफ पानी नहीं, नाली का पानी है, लेकिन इसी में बैठकर नेताजी वोट मांग रहे हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि फोटो पाकिस्तान से आई है और बीच सड़क पर नाली के पानी में नेताजी की करवटें बेजा नहीं है। पाकिस्तान में अभी चुनावी मौसम चल रहा है, ऐसे में कराची के निर्वाचन क्षेत्र N243 से इस निर्दलीय प्रत्याशी ने जनता से वोट मांगने का ये अनूठा तरीका अपनाया है। इस निर्दलीय प्रत्याशी का नाम अयाज मेमन मोतीवाला है। अयाज ने फेसबुक पर अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, सफाई हमारा आधा ईमान है या गंदगी। मोतीवाला ने अवामी हुकूक के लिए, गंदगी से निजात के लिए गटर के पानी में उतरकर यूनिक प्रोटेस्ट किया, वोट दो सफाई लो, पाकिस्तान बचा लो प्लीज। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि अयाज अपने प्रचार के दौरान कूड़े के ढेर के बीच में खड़े होकर लोगों को भाषण देते हैं। कूड़ा वाले और नाली वाले नेताजी का यह चरित्र लोगों को खूब भा रहा है पाकिस्तान में। वैसे कभी कभी भारत में भी इक्के दुक्के विचित्र नेताओं से आपका सामना जरूर हुआ होगा।